नमस्कार सतपुड़ा ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पंचभुज, जो मेथड रहेगा थ्री सर्कल मेथड से। आइए पढ़ते हैं पेंटागॉन थ्री सर्कल मेथड से। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर की भुजा में थ्री सर्कल मेथड से एक समपंचभुज की रचना करें। तो इसके लिए सबसे पहले हम एक रेखा खींचेंगे, कितने का, 5 सेंटीमीटर का। तो आइए सबसे पहले एक रेखा खींचते हैं 5 सेंटीमीटर का, इसका नाम दे दीजिए, 5 सेंटीमीटर की रेखा खींचे, इसका नाम दे दीजिए ए बी। इसके बाद ए बी का त्रिज्या लेंगे, किसका त्रिज्या लेना है, ए और बी का। केंद्र किसको मानना है, ए को, और एक वृत्त की रचना करेंगे जो कहां से गुजरेगा, बी बिंदु से। ध्यान दीजिएगा, ये वृत्त बना, सेम त्रिज्या लेना है ए और बी की। अब किसको केंद्र मानना है, बी को, दूसरे वृत्त का निर्माण करेंगे। ये दूसरा वृत्त बन गया। अब यहां पे जो वृत्त के कटान बिंदु है इनको नाम दे देंगे एन, और इसको, इसका नाम दे देते हैं एम। एन और एम को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे डॉट लाइन में, एम को केंद्र मानकर एक वृत्त की रचना करेंगे जो कहां से गुजरेगा, ए और बी दोनों से। कहां से गुजरेगा, ए और बी से दोनों। तीसरा वृत्त बन गया। अब यहां पे जो कटान बिंदु है इसको नाम दे देंगे P, इसका नाम दे दीजिए Q, और ये जो N और M को मिलाते हुए रेखा खींचे हैं तो यहां पे जो बिंदु प्राप्त हुआ इसका नाम दे देंगे R। अब P बिंदु से एक रेखा खींचेंगे जो कहां से गुजरेगा, R से, और इस सर्कल तक परिथक जाएगा, सर्कल के परिधि तक जाएगा। इसी प्रकार की बिंदु से, लेकिन कहां से गुजरेगा, आर से, और इस वृत्त की परिधि तक जाएगा। अब ये जो रेखा पी बिंदु से और आर से होते हुए सर्कल में तक, हाँ, सर्कल तक गई है, इसका नाम दे देंगे सी। अब सी के बाद नेक्स्ट जो बिंदु प्राप्त करेंगे तो उसके लिए क्या करेंगे, एबी की त्रिज्या लेंगे और सी को केंद्र मानेंगे, और एक चाप यहां कटेंगे, और वही चाप सेम इस बिंदु से लेके यहां प्रतिच्छेद करेंगे, जहां पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ वहां पे डी बिंदु अंकित करेंगे, और डी और इस बिंदु को मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे, इसका नाम ई दे देंगे, और इसी प्रकार सी बिंदु से मिलाते हुए रेखा खींचेंगे, थोड़ा नीचे कर लेते हैं ताकि डायग्राम अच्छा आए। ये अब यहां पे सी और बी को मिला देंगे, और यहां पे ए और को मिलाते हैं। तो यहां पे जो आकृति बन रही है कौन सी, बीसी, और इसको कौन सा बिंदु देंगे, डी बिंदु नाम देंगे। तो यहां पे पंचभुज बनेगा, तो इसका नाम क्या हुआ, ए बी सी डी ई। तो ए बी सी डी ई क्या है, पंचभुज, ए बी सी डी ई एक पंचभुज है। इस प्रकार थ्री सर्कल मेथड से हमने एक पंचभुज बनाया। नेक्स्ट वीडियो में हम जो अर्धवृत्त से पंचभुज बनाएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।